दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अनुपमा सीरियल इन दिनों टीवी के बाकी सीरियल के मुताबिक टॉप पर चल रहा है, जिसके चलते सीरियल के सारे कलाकार फेमस हो रहे हैं। वहीं निधि शाह भी बहू की भूमिका इस सीरियल में निभा रही हैं और अपना किरदार बखूबी पर्दे पर उतार रही हैं, जिसके चलते ये काफी फेमस भी हो रही हैं। वहीं दर्शक भी इनके इस किरदार को पसंद कर रहे हैं। लेकिन आप इनके बारे में तो सब कुछ जानते हैं, पर क्या आप इनके रियल लाइफ फैमिली के बारे में जानते हैं कि इनके परिवार में कौन कौन है, वो क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं? शायद नहीं जानते होंगे। इसीलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इन्हीं के रियल लाइफ फैमिली के बारे में बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले इस अदाकारा के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अनुपमा सीरियल में किंजल का रोल निभा रही अभिनेत्री निधि शाह, जो कि अपने इस किरदार के चलते आज काफ़ी फेमस हो गई हैं, जहां ये एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हैं। इनकी फैमिली में इनको मिलाकर 4 सदस्य हैं, जिसमें ये इनकी मम्मी पापा और इनका एक छोटा भाई है। अगर बात करें इनके घर के मुखिया यानी कि इनके फादर की, तो आपको बता दें इनके फादर लाइमलाइट से काफ़ी दूर रहते हैं, जिसके चलते इनकी गूगल पर किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन आपको बता दें इनके फादर एक बिजनेसमैन है, जो कि अपने इस प्रोफेशन में काफ़ी सक्सेसफुल है और ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बिजी रहते हैं। वहीं अगर बात करें इनकी मदर की, तो इनकी फादर की तरह इनकी मदर भी लाइमलाइट में नहीं है, लेकिन इनकी मॉम एक हाउसवाइफ हैं, जो कि अपने घर की बहुत अच्छे से देखभाल करती हैं। वहीं इनकी फैमिली में एक भाई हैं, जिनका नाम करण शाह है, जो कि इनसे उम्र में छोटे हैं और अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने पर फोकस कर रहे हैं। ये तो रही इनकी फैमिली की बात। वहीं अगर बात करें इनकी पर्सनल लाइफ फैमिली के बारे में, तो बता दें ये अभी सिंगल हैं, इनकी अभी शादी नहीं हुई है, पर फिलहाल इनका नाम हरीश चंदानी नाम के शख्स से जोड़ा जा रहा है, जो कि एक दूसरे के साथ फोटोज में नजर आते हैं, जिन्हें साथ देखकर सभी ये कह रहे हैं कि दोनों फिलहाल एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको निधि शाह की फैमिली और इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।